अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सस्त्यकाल। तो आज है जुमा और चल रहे हैं जुमा का नमाज़ पढ़ने। तो फ़िलहाल आज लेट हो गया हुआ था बहुत ज़्यादा उठने में, और काम करते करते घर की भाई अपनी रूम की थोड़ा सफाई कर लिए हैं, क्योंकि रूम की सफाई किए हुए एक हफ्ता हो गया हुआ था। तो रूम की सफाई किए हैं, कपड़ा उपड़ा धोए हैं, नहाए हैं, नाश्ता किए हैं, खाना फ़िलहाल अभी कुछ नहीं बनाए हैं। तो नमाज का समय हो गया हुआ है, चलते हैं नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर कहीं जाना है कि नहीं जाना है। तो नमाज पढ़ के आए थे जुमा का, उसके बाद सो गए थे, फिर खाना फ़िलहाल अभी खाए हैं, और फ़िलहाल अभी हो चुका है असर का समय। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं असर का नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद फिर देखा जाएगा, शाम में कहीं अगर जाना होगा तो जाया जाएगा। धूप बहुत काफ़ी है, बारिश जो होने वाला था वो फ़िलहाल हुआ नहीं, तो आज बारिश तो नहीं है लेकिन धूप है, और जुमा है तो फ़िलहाल कहीं तो जाना नहीं है। और मैडम की माँ के घर जाना था, तो मैडम का लड़का है जो, वो लोग ही चला गया सब मैडम को लेके, क्योंकि वहाँ दावत कुछ था खाने का, तो फ़िलहाल हम नहीं गए जुमा पढ़ के, हम घर ही में थे। तो फ़िलहाल असर का समय हो चुका है, चलते हैं असर का नमाज़ पढ़ने। और ये देखिए गाड़ी लगा हुआ है हमारी कपिल का, 1, 2, 3, एक किधर है सिकोया, यही तो गाड़ी भाई कितना दिन से लगा हुआ है, ये गाड़ी से कहीं जाता नहीं, जब बारिश होता है तो जाता नहीं, तो फ़िलहाल लॉन्ग टूर का गाड़ी है ये। चलते हैं मस्जिद में, तो डोनट्स में आए हुए हैं। डोनट जो है, डोनट लिखा हुआ है देख रहे हैं, डोनट हेरा में आए हुए हैं जौहर के साथ, तो वो लेने आया था, पता नहीं क्या लेने आया है, उसी के साथ आए हुए हैं हेरा में, लेते हैं उस पर लेके चलते हैं घर। ऑर्डर उसका बना हुआ था, कॉल करके वेटिंग कर जब कॉल कर दिया हुआ था, तो आए हैं इंतज़ार कर रहे हैं उसका, चलते हैं, चलेंगे लेंगे, लेके फिर जाया जाएगा घर, उसका देखते हैं। मौसम तो बारिश का हुआ हुआ है, पर पता नहीं बारिश होगा कि नहीं होगा, अल्लाह जाने। और ये है हेरा, जद्दा में रहने वाले लोग को पता होगा कि भाई हेरा है, तो हेरा में आए हुए हैं। तो बारिश का मौसम है, आसमान देख रहे हैं 3:30 बज रहा है, लेकिन मौसम जैसा लग रहा है ऐसा कि बारिश होने वाला है, पता नहीं बारिश होगा कि क्या होगा। पर बारिश का मोबाइल में नहीं शो कर रहा है, नहीं दिखला रहा है, पर आसमान बारिश का तरह हुआ हुआ है। और हेरा का रास्ता ये रहा, आपको दिखलाते हैं, और ये रहा हेरा का रास्ता, और ये बिल्डिंग जो दिख रहा है ये मेरे घर के पास से भी दिखता है, आप यहाँ से भी देख सक रहे हैं, ये है घर के पास से, ज़्यादा दूर नहीं है हेरा, हेरा करीब में है, हेरा से मतलब करीब है मेरा, कपिल का जो घर है वो करीब में ही है। तो लेके घर आ गए हुए हैं, और ये रहा जा रहा है वो लोग, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको दिखला रहे हैं। तो ये रहा वो तीनों डोनट्स लेके जा रहा है, तीन है जा रहा है ये लोग पार्क में, वहाँ घर के पास जो पार्क है पार्क में बैठ के खाएगा, इसलिए डोनट लेने, और डोनट ले लिया है और लेके वो लोग जा रहा है पार्क के पास, बैठेगा पार्क में, मतलब पार्क के पास क्या, पार्क में ही बैठेगा, ये घर के पास ही है, ये तो घर है। और इससे थोड़ा सा आगे जाके वो जो दिख रहा है गाड़ी, पता नहीं गाड़ी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वहाँ वाला गाड़ी मेरे हाथ से जो दिख रहा है वो रहा गाड़ी, उस गाड़ी का एकदम अपोजिट में, मतलब इस तरफ में गाड़ी का अपोजिट में ही पार्क है, तो पार्क में ही बैठेगा ये लोग और बैठ के खाएगा। तो डोनट जो होता है वो डोनट ही लाने गए थे हेरा में, तो हेरा से डोनट लेके आए हैं, उसके बाद ये लोग वेट कर रहा था, चला गया है पैदल, गाड़ी से जाएगा नहीं क्योंकि बगल में है भाई, तो गाड़ी से जा सकता था पर गया नहीं गाड़ी से, तो पैदल ही चला गया है। पार्क में गाड़ी की क्या ज़रूरत भाई, क्या काम है, 1 मिनट का रास्ता भी नहीं है, तो जाएगा खाएगा। अब देखते हैं इस टाइम से भाई क्या करना है नहीं करना है, इस टाइम से कोई काम है कि नहीं है। हवा चल रहा है बहुत ही ज़ोर, अब तो दिख रहा है गाछ पास दिख रहे हैं, गाछ देखिए, और ये बेचारा सिकोया का हाल पता नहीं क्या हो गया हुआ है, सिकोया का समझ में नहीं आ रहा, इसके अंदर का जो सामने का जो बोनट होता है और बोनट खोलने का मिल नहीं रहा है। भाई साहब को बोले हैं, अभी भाई साहब को वीडियो भेजे हैं, पता नहीं किस चीज़ से खुलता है, पता नहीं बताएँगे उधर से कि भाई कैसे खुलेगा, समझ में हमको नहीं आ रहा बोनट खोलने का, क्योंकि इसका इंजन ऑयल चेंज होगा, ये भी सिकोया भी जाएगा लेके जाएंगे, संडे का दिन हो या मंडे का दिन, सिकोया को भी ले जाना है, क्रेटा को भी ले जाना है इंजन ऑयल चेंज करने के लिए, दोनों का इंजन ऑयल चेंज करना है,
क्योंकि एक्स्ट्रा चल चुका है इसका तो पता नहीं। हम आए हैं तो 10 महीना से चेंज हुआ नहीं, उससे पहले चेंज हुआ होगा लेकिन अभी का फिलहाल नहीं। लेकिन ये है कि 10,000 किलोमीटर चल गया है, हम आए हैं तो 10,000 किलोमीटर चल गया है, तो इसका इंजन ऑयल चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों को लेके जाना है, पहले एक को इसको लेके जाएंगे चेंज करवाएंगे, उसके बाद आके फिर इसको लगाना है, फिर उसको लेके जाना है सिकोया को, फिर उसको चेंज करवाना है। तो देखते हैं कब का टाइम है, बता रहा है ये कल है, परसों है, तरसों, यानी शनिचर, इतवार या सोमवार। स्कूल मेरे ख्याल से सुने हैं कि संडे और मंडे भी बंद है, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे 4 दिन सुनने में आया है कि स्कूल बंद है। अब कन्फर्म है नहीं कि भाई 4 दिन बंद है कि, लेकिन बताया है कि अगला बंदा बताया है कि 4 दिन स्कूल का छुट्टी है, हो सकता है बारिश का लेके या कोई और चीज़ के लेके। तो उसी दौरान में भेजेगा ये इंजन ऑयल चेंज करने के लिए, तो इंजन ऑयल चेंज कर लिया जाएगा। और फिलहाल देखते हैं, अगर कहीं अगर जाना होना होता है तो जाया जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है फिलहाल। तो भाई सुबह में बारिश का मौसम नहीं था, फिर शाम में बारिश का मौसम हुआ, फिलहाल अभी फिर ठीक है, अभी भी कोई बारिश का मौसम हुआ नहीं, बारिश हुआ नहीं, आसमान साफ है। मतलब यही है कि भाई बारिश नहीं होगा, क्योंकि बारिश का तरक्की हुआ था अंधेला, मतलब सुबह में ठीक, असर तक ठीक था, असर के बाद हल्का मौसम हो गया बारिश का। फिलहाल अभी 5:30 बज रहा है तो अभी भी आसमान मतलब हल्का हल्का दिख रहा है, आपको दिख रहा है बादल कहीं कहीं पे, लग रहा है कि बारिश का तरह देख रहे हैं, बारिश दिख रहा है आसमान में, पर पता नहीं बारिश हो या ना हो, आइडिया नहीं है। मोबाइल में बतलाता है बारिश यहाँ होता है, तो फिलहाल अभी नहीं दिखला रहा है मोबाइल में कि बारिश होने वाला है। और भाई ये तो काम हो रहा है पता ही है इस वाले में, आज छुट्टी में ये लोग है, जुमा है इसके वजह से। और ये हमारा कपिल का लगा हुआ है गाड़ी, 1, 2, 3, 1 वहाँ 4। तो स्कूल फिलहाल बंद बंद ही चल रहा है, इसके वजह से ब्लॉक कोई डेली बना नहीं रहे हैं। स्कूल खुलेगा, बारिश का मौसम रहता है तो बंद रह जाता है, कोई ठीक नहीं है। जुमा शनिचर तो बंद होता है, बारिश का अगर मौसम हो जाए तो शनिचर एतवार भी बंद हो जाता है, कभी सोमवार मंगल भी बंद रहता है, तो इसके वजह से वीडियो नहीं बना रहे हैं। देखते हैं बारिश का मौसम ठीक हो इस महीने के बाद तो भाई डेली ब्लॉग तो है, पर डेली वीडियो मिलता नहीं है कुछ, क्या डाले क्या ना डाले, तो डेली इसलिए वीडियो बनाते नहीं हैं। अलहम्दुलिल्लाह देखते हैं, फिर डेली ब्लॉग बनाना हो तो डेली बनाया जाएगा, जो कुछ अच्छा अगर समझ में आए, कुछ समझे कि हाँ भाई ये दिखने का चीज़ है तो दिखाने का भी चीज़ रहेगा। और वो देख रहे हैं बिल्डिंग बड़ा ऐसा हेलीकॉप्टर जिसके ऊपर में उतरता है, बना हुआ है गोल ऐसा, वो रहा एकदम क्लियर दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि मौसम अभी थोड़ा साफ है, अंधेलापन है, आसमान में बादल है, नीचे में साफ क्लियर दिख रहा है दूर से। ये ऐसा जगह पे हम मतलब घर है ना कपिल का हमारा, कि वो सब जगह से दिखता है, उस तरफ जाओ तो दिखता है, उस तरफ जाओ तो दिखता है, उस तरफ मतलब कॉर्नेस पे जाओ तो दिखता है, हीरा में जाओ तो दिखता है, इशारा साड़ी पे जाओ तो दिखता है, जिधर जाओगे वो वाला दिखेगा बिल्डिंग, बहुत बड़ा है। कॉर्नेस में जाने के बाद रेडसी मॉल में जाओ तो भी दिखता है, सब जगह वो दिखता है। तो चलिए आज का ब्लॉग तो ज़्यादा लंबा कुछ है नहीं, तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।